मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू बैक माई चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म आप फ़ोन से कैसे फिल कर सकते हैं। स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने का पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको सरकारी रिजल्ट पे जाना है। सरकारी रिजल्ट पे जाने के बाद आप यूपी स्कॉलरशिप चेक कीजिए, उसमें डिटेल। आप यूपी स्कॉलरशिप पे जाइए और वहाँ पर पूरी डिटेल मिलेगी आपको। वो फॉर्म आपको फिल करना है ऑनलाइन। आप फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं। यूपी स्कॉलरशिप 2021, यहाँ पे जाने के बाद आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद जो विंडो खुल के आएगी, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आप फॉर्म को फिल करने से पहले आप हाई स्कूल की डिटेल अपने पास लिख के रख लीजिए, आधार वगैरह ये सब लिख के रख लीजिए, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे आप अगर ग्रेजुएशन के लिए फिल करना चाहते हैं फॉर्म, ग्रेजुएशन अगर आपका है तो आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। इसके बाद जो नई विंडो खुल के आएगी, उसमें आपको अपना नाम, एज, हाई स्कूल की डिटेल सारी और बाकी डिटेल आपको वहाँ पर फिल करनी है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूँगा और आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पे अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, अल्पसंख्यक से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पे जाके इसमें आपको फिल करना है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, ये आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। इसमें ये इसमें आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, जिसमें लिखा हुआ है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेट, यहाँ पे है माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए इसमें फिल करना पड़ेगा। ओबीसी के लिए ये इसमें यहाँ पे फिल करना है आपको। ये देखिए कुछ इस तरह की विंडो खुल के आएगी। यहाँ पे जिला, शिक्षण संस्थान, वर्ग, जाति समूह, धर्म, छात्र छात्रा का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, विवाहिता की स्थिति में यदि नाम में परिवर्तन हुआ है, हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, हाई स्कूल बोर्ड, हाई स्कूल में अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर, विद्यालय संस्था जहां से हाई स्कूल पास किया है, मोबाइल नंबर, ये दूरभाष नंबर आपको इसमें नहीं फिल करना है, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। ईमेल आईडी अगर हो तो उसको, और पासवर्ड अपना खुद का डाल सकते हैं, स्वनिर्मित पासवर्ड, ये पासवर्ड आपको खुद बनाना पड़ेगा और इसको यहाँ पे कंफर्म करना है, और ये इसमें जो नंबर दिया हुआ है इसको फिल करना है। उसके बाद इसको आपको सबमिट करना है। तो मैं आपको ये फॉर्म फिल करके बताता हूँ आपको कैसे फिल करना है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने फॉर्म को पूरी तरीके से फिल कर दिया है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली ये है कि जिला जहाँ से छात्र छात्रा अध्यांतरित है वो आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है सीतापुर। यहाँ पे शिक्षण संस्थान जहाँ से ये मतलब जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं उसको फिल करना है। बाकी ये डिटेल आपको हाई स्कूल पास करने का ईयर, यहाँ पे आपको डिटेल में सब कुछ फिल करना है। इसके बाद ही आपका फॉर्म फिल हो पाएगा। सीबीएसई बोर्ड ये सब इसमें फिल करने के बाद आप अपना पासवर्ड एक जनरेट कर लीजिएगा और यहाँ पे ये कोड आपको एंटर करना है 51। ये कोड एंटर करने के बाद आपको सबमिट बटन पे आपको इसको सबमिट कर देना है। इसमें पासवर्ड अनमैच्ड बता रहा है, इसको पासवर्ड को हम फिर से मैच कर लेते हैं एक बार। इसके बाद हम इसको सबमिट कर रहे हैं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। पासवर्ड इनवैलिड है। इसमें पासवर्ड केवल आपको नंबर और लेटर डालना है, इसलिए पासवर्ड मिसमैच बता रहा था।